गुड इवनिंग एवरीवन। कंपनी का कुछ नया अपडेशन के बारे में खबर देने के लिए वॉइस डाल रहा हूँ। सब लोगों को जानता है, लास्ट 15 दिन से हम लोग ये जो प्रिविलेज के लिए कुछ इशू चलता था, कंपनी अनलिमिटेड प्रिविलेज प्रोवाइड करने के लिए अप्रैल 15 तारीख से कंपनी कोशिश किया, तो कुछ टेक्निकल वजह से वो कुछ डिले हो गया था। फिर भी कंपनी 25 से वो जो अप्रैल 25 से वो स्टार्ट करता बताया था। इसके साथ साथ हम लोग एक टाइम दिया था, जो पुराना आईडी है अप्रैल 15 तारीख का पहला जो लोग आईडी डाला है वो लोगों को कंपनी एक टाइम पीरियड दिया था अप्रैल 30 तक आप लोग टाइम है जो पुराना आईडी में प्रिविलेज सेट करने के लिए, क्योंकि अप्रैल 15 तारीख का पहला जितना आईडी है उसको अनलिमिटेड ऑप्शन में नहीं आता है। वो बस पहला कंपनी जो इनकम देता था प्रिविलेज का तरह से 3 आईडी को, एक पैन कार्ड को 3 आईडी को इनकम देता था। तो अप्रैल 15 तारीख तक कितना आईडी डाला वो बस 3 आईडी को आप लोगों को प्रिविलेज मिलेगा। वो प्रिविलेज आप लोग ज़रूर वो सेट करना चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रिविलेज वो आईडी में इनकम नहीं आएगा, उधर अनलिमिटेड इनकम नहीं है। ठीक है, तो ये खबर कंपनी बार बार बताया था, सर्कुलर भेजा था, लेकिन अभी बहुत सारा इंक्वायरी आता है लीडर लोगों के साथ। ज़्यादा लोग आईडी पैन कार्ड नहीं है, ज़्यादा लोग आईडी डाल के रखा है, तो ऐसा बहुत सारा इंक्वायरी आता है। तो अभी कंपनी एक डिसाइड किया है, क्योंकि पैन कार्ड एक व्यक्ति अप्लाई किया तो कम से कम 20 दिन तो चाहिए उसको पैन कार्ड मिलने के लिए। ठीक है, तो कंपनी वो जो प्रिविलेज सेट करने का टाइम 31 मई तक एक्सटेंड किया है। ठीक है, 31 मई तक आप लोगों को पुराना आईडी में प्रिविलेज सेट करने का टाइम दिया है, लेकिन इसके साथ साथ अनलिमिटेड प्रिविलेज आईडी कंपनी अभी स्टॉप किया है, क्योंकि ये दोनों एक टाइम में नहीं चल सकता, दोनों क्लैश हो जाएगा। इसलिए जब 31 मई को प्रिविलेज का ये जो सेटिंग पूरा ख़त्म होने के बाद में June 1 से हम लोग अनलिमिटेड प्रिविलेज स्टार्ट करेगा। जितना लोग अभी अप्रैल 15 तारीख से अनलिमिटेड आईडी डाल के रखा है वो लोगों का आईडी लैप्स नहीं होता है, वो आईडी उधर ही रहेगा। June 1 से आप लोगों को आईडी में इनकम मिलेगा। अभी अनलिमिटेड प्रिविलेज आईडी में अभी इनकम इशू कंपनी ऐसे नहीं देता है। ठीक है, तो जितना लोग आईडी डाला सबको June 1 से अनलिमिटेड आईडी यूज़ कर सकता है। May 31 तक पुराना जैसा हम लोगों का प्रिविलेज में 3 आईडी में ही मिलेगा। कोई प्रिविलेज सेट नहीं किया तो पुराना आईडी में वो लोगों का टाइम है May 31 तक। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ये अपडेट आपने सुन ही लिया होगा। दोस्तों अपडेट सुनते सुनते जैसे कान पक चुका होगा। पिछले कई दिनों से आप प्रिविलेज को लेकर के अपडेट जो है काफ़ी सारे सुन रहे हैं, अपडेट्स के ऊपर अपडेट्स, अपडेट्स के ऊपर अपडेट्स, लगभग हाफ सेंचुरी तो कंप्लीट कर ही चुकी होगी अभी तक में, है ना, क्योंकि रेगुलरली अपडेट आ रहा है। और अभी अनलिमिटेड प्रिविलेज की जो बात जो कही थी कि अब अप्रैल के बाद यानी कि 1 तारीख से जो है अनलिमिटेड प्रिविलेज कर दिया जाएगा, तो वो अब जो है और 30 दिन एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि अगले महीने नहीं होगा कि मतलब नेक्स्ट मंथ के नेक्स्ट मंथ में जो है आपको ये जो है देखने के लिए मिलेगा, यानी कि अप्रैल के बाद मई, पूरा मई आपके पास टाइम है। दोस्तों जितने भी आपके आईडी के अंदर जो एक्टिवेट नहीं किए हैं प्रिविलेज या केवाईसी नहीं किए वो आप कर पाएंगे, और अप्रैल के बाद जो है मई के बाद जो आने वाला जो जून है ना, यानी कि मई के बाद जो जून मंथ आएगा, तो जून मंथ से अनलिमिटेड प्रिविलेज होगा। तो मई मंथ तक कोई जो है अनलिमिटेड जो सिस्टम है वो नहीं है। आपको पूरे मई मंथ तक जिस तरह से हम लोग काम कर रहे थे, 3 आईडी लगा रहे थे, 3 आईडी पर प्रिविलेज एक्टिवेट कर रहे थे, तो उसी तरह से हम लोग को काम अभी करना होगा। ठीक है, आई होप ये ऑडियो सुनने के बाद काफ़ी सारा पॉइंट आपको क्लियर हो ही गया होगा, राइट। फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन्स है, बाकी आपको ये अपडेट को लेकर के क्या कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय या विचार जो भी है आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी आशा करते हैं ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन पसंद आया है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।